नॉर्मल स्किन हो, ऑयली स्किन हो, हर एक स्किन टाइप के लोगों को होती है ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम। इसको रिमूव करना बहुत जरूरी है वरना बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स घर पे ही कैसे रिमूव कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे से। हाँ जी, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम ऐसी है कि ये हर किसी को होती है। हाँ जी, ड्राई स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो, ऑयली स्किन हो, हर एक स्किन टाइप के लोगों को होती है ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम, और ज्यादातर होती है ये ऑयली स्किन पे। जी हाँ, और ज्यादातर इसलिए भी होती है अगर किसी का बहुत ज्यादा बाहर आना जाना है तो पॉल्यूशन के वजह से भी आपको व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। और इसको कैसे रिमूव करें एकदम अच्छे से क्लीन, और ये आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा गंदी लगती है। हाँ जी, ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा नोज पे एंड चिन एरिया पे आपको ब्लैक ब्लैक व्हाइट व्हाइट से दाने दाने जैसे दिखते रहते हैं। एंड ये होते हैं जिनके पोर्स बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं उनको ये ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे जो पोर्स अगर बड़े हो जाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन डर्ट्स जो जमा होते हैं उन्हीं से हमारे ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम होती है। तो इसको रिमूव करना बहुत जरूरी है वरना बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, तो कभी भी कोई भी त्यौहार आ जाता है तो कुछ ही दिनों के गैप में ही सारे त्यौहार है, तो इतने बार तो हम पार्लर जा नहीं सकते हैं ना, और हमें वो जो स्ट्रैप होते हैं उससे भी रिमूव करने से बहुत ज्यादा पेन होता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक होम रेमेडी शेयर करूंगी जिससे आप अगर ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स रिमूव करते हो तो इसको यूज करते करते आपके ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कम हो जाती है, एंड आप चुटकियों में इसको रिमूव कर सकते हो घर पे ही पूरे अच्छे तरीके से। सो गाइस, ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स जब हम स्ट्रैप से रिमूव करते हैं तो कुछ ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स रह जाते हैं नोज पे या फिर चिन एरिया पे, पूरे अच्छे तरीके से क्लीन नहीं होते हैं। तो इसी के लिए मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगी जिसको आप करोगे तो आपके जो ब्लैक हेड्स हैं एंड व्हाइट हेड्स हैं वो जड़ से निकल जाएंगे। हाँ जी, एंड बहुत दिनों तक आपके फेस जो है वो क्लीन रहेंगे। 15 से 20 दिन तक आपको रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसको रेगुलर अगर आप यूज करते हो तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। सो ये होम रेमेडी क्या है, क्या क्या स्टेप्स है, थ्री स्टेप्स क्या है, सो उसको देख लो, फिर मैं आपको क्लोजअप से अपने नोज एंड चिन एरिया दिखाऊंगी कि एक भी ब्लैक हेड्स नहीं मिलेंगे आपको। सो सबसे पहले देख लो ये स्टेप्स क्या है, इनको कैसे बनाना है एंड कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे स्क्रबिंग। स्क्रबिंग करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ बेसन, एक चम्मच बेसन लिया है मैंने। देन यहाँ पे एक चम्मच मैंने शुगर लिया है, जी हाँ, एंड शुगर जो है वो हमारी स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करता है। एंड मैंने इसको मिक्स करने के लिए रोज वाटर ले लिया है। जो लोग स्क्रबिंग नहीं करते हैं हफ्ते में एक बार भी, उन्हीं को ज़्यादा ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो डर्ट्स जम जाते हैं, एक्सफोलिएट नहीं होता है उनका फेस अच्छे से, तो सारे मैल जो है, गंदगी जो है वो निकलते नहीं है। स्क्रबिंग करने के लिए हमारा फेस हमेशा गीला होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं रोज वाटर से ही अपने फेस को गीला कर ले रही हूँ। आप वॉशरूम में हो तो आप पानी से ही गीला कर लो, बट मैं यहाँ पे नहीं कर सकती इसलिए। देन यहाँ पे मैं स्क्रबिंग कर रही हूँ बहुत ही हल्के हाथों से, ये फास्ट की स्पीड में चल रहा है वीडियो। अच्छे से एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स ये सारे रिमूव होते रहते हैं, और उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि एक्सफोलिएट नहीं करने से होता है। सो अच्छे से स्किन को जितना भी है, जितना मैल है, जितना भी गंदगी था, वो सारा रिमूव हो चुका है स्किन से। देन यहाँ पर मैं ले रही हूँ स्टीमिंग। जी हाँ, आप कोई भी चीज़ में ले सकते हो, स्टीमर नहीं है तो फिर भी आप किसी भी टब में, बकेट में, किसी भी चीज़ में पानी लेके, गर्म पानी लेके थोड़े देर के लिए स्टीम ले लो, जिससे आपके पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। एंड देन ये जो थ्रेड बोलते हैं शायद, जिसको ब्लैक हेड्स रिमूव करते हैं उस चीज़ को, अगर वो नहीं है तो मेरे जैसे ये सेप्टिपिन ले लो, एंड उसके जो पीछे का वो जो गोल वाला चीज़ रहता है ना, उस जगह पे आप अपने जितने भी है ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स वो रिमूव कर सकते हो, बहुत आराम से हो जाता है क्योंकि सेम वैसा ही रहता है वो भी। देन यहाँ पे हम पील ऑफ मास्क बनाएंगे जिससे हम अपने ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को रिमूव करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कॉफ़ी पाउडर ले लिया है एक चम्मच एक बोल में। देन यहाँ पे रोज वाटर लिया है थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा मैंने लिया, आप लोगों ने देखा। देन यहाँ पे मैं पील ऑफ मास्क ले रही हूँ। आप कोई सा भी ब्रांड का कोई सा भी पील ऑफ मास्क यूज़ कर सकते हो इसके लिए, ठीक है, बिना गोल्डन पील ऑफ मास्क या फिर चारकोल पील ऑफ मास्क, कोई सा भी पील ऑफ मास्क आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे।
और कॉफ़ी में जब मिक्स करते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, मतलब जैसे कि पील ऑफ मास्क नॉर्मली रहता है उससे ज़्यादा डबल वो, मतलब इतना ज़्यादा टाइट हो जाता है कि आपके ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को अच्छे से रिमूव कर देता है, एंड आपको उतना ज़्यादा पेन नहीं होता है जितना कि नोज स्ट्रिप से होता है, ठीक है। और इतना अच्छे से आपके नोज़ पे शाइन आ जाएगा क्योंकि एक भी ब्लैक हेड्स नहीं बचे रहते हैं, एंड ये बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। आप लोग देख सकते हो, मैं क्लोज़अप से आपको दिखा रही हूँ। और कॉफ़ी आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा दाग धब्बे रिमूव करते हैं, कॉफ़ी ब्लैक हेड्स भी रिमूव करता है, एंड आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, ग्लो प्रोवाइड करता है आपके स्किन पे। एंड आप लोग मेरा नोज़ देख सकते हो कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है, तो मैंने अच्छे से पूरे नोज़ पूरे फेस पे से पील ऑफ मास्क रिमूव कर दिया है। जहाँ जहाँ पे गीला था वहाँ पे नहीं रिमूव, एक ही जगह पे गीला था उस लेफ्ट साइड के चीक्स पे, तो उस जगह पे मैंने पानी से रिमूव कर लूँगी। एंड आप लोग देख सकते हो मैंने फेस को वॉश कर लिया है सिर्फ पानी से। आप इसको वीकली एक बार ही यूज़ करो, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको ब्लैक हेड्स। सो गाइस, आप लोगों ने देख लिया मैंने कैसे ये सारे स्टेप्स किए हैं, कितने इजी है, चुटकियों में हो जाएंगे एंड आपके ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। मैंने अपना फेस भी क्लोजअप से दिखाया, बिल्कुल भी ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स नहीं है। आप लोग देख सकते हो मेरा नोज एरिया बिल्कुल क्लीन है एंड शाइन भी कर रहा है। सो गाइस, आप लोग भी ऐसा शाइनी नोज एंड चिन एरिया पा सकते हो बिना ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स के। सो इसको जरूर यूज करो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो। सो एक बार जरूर यूज करना मेरे कहने पे, पक्का आपको अच्छा लगेगा एंड आपके ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम चुटकियों में गायब हो जाएगी। सो गाइस, यही था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो एंड आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, क्योंकि ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम हर किसी को होती ही है, कम ज्यादा ऐसे करके, कम हो या ज्यादा हो बट हर किसी को ये होती ही है। सो इसको रिमूव करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप कितना भी मेकअप कर लो, कितना भी कुछ कर लो, ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स रहेंगे तो आपका सारा मेकअप एंड ड्रेसअप स्पॉइल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गंदे तरीके से दिखते हैं। सो इसी को रिमूव करने के लिए होम रेमेडी जरूर यूज करना। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी हिट कर देना, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना। ऐसे ही यूजफुल एंड हेल्पफुल वीडियोस लेके आती रहूंगी आप लोगों के लिए। सो अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चिल रहें, सी यू, बाय गाइज़।